विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे जी, जो साथ में राज्यसभा के सांसद भी हैं। सर, महाराष्ट्र में जो कंफर्टेबल आपको एक आंकड़ा दिख रहा है सरकार बनाने का, आपका भी मानना था कि 200 के पार जाना चाहिए, उसका जो कारण रहा वो क्या राष्ट्रीय मुद्दों का हावी रहना रहा या फिर जनता को आप कन्विंस दोबारा कर पाए? देखिए, सबसे पहले इस भावना से थोड़ा मैं मानता हूं कि मुक्त होना चाहिए कि वोटर केवल राष्ट्रीय, केवल प्रादेशिक या केवल स्थानीय विषयों से प्रभावित होता है। जब वो वोटिंग मशीन के सामने जाकर बटन प्रेस करने की मुद्रा में आता है तो ढेर सारे विषय उसके निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उसमें राष्ट्रीय, वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय भी होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय सभी विषयों का एक मिलाजुला रसायन बन जाता है जो उसके वोटिंग प्रेफरेंस को प्रभावित करता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि सारे विषयों का अपना महत्व है और मतदाता हमारा बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है और उसकी सूझबूझ के कारण ही ये जनतंत्र चल रहा है। हरियाणा पर अगर फोकस करते हैं तो हरियाणा में पिछली बार जो 47 कंफर्टेबल आपको विक्री थी, इस बार कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आती है जरूर, क्या उसके लिए? देखिए, एकदम से निष्कर्ष पर न पहुंचे, थोड़ा सा सेटबैक दिखाई दे रहा है जो प्रारंभिक रुझान है उसके आधार पर। मैं मानता हूं कि सरकार बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आना, वो तो हो ही रहा है, तो सरकार तो हमारी बन रही है, वो सक्षम बने, स्थिर बने, अच्छी बने, इसकी कोशिश तो आगे चलकर हम करते ही रहें। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो विनय सहस्रबुद्धे जी, जिनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में तो जो जीत पार्टी की जो बड़ी मिली है वो पहले से तय मानी जा रही थी, लेकिन हरियाणा में जहां कुछ कमी रह गई है उसको पार्टी दूर करने की कोशिश जरूर करेगी। दिल्ली में कैमरा शिवशंकर।